दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान, आपके साथ आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं इस समय मौजूद हूं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। मेले का दूसरा दिन है और फिलहाल मैं मौजूद हूं फील्ड किंग के स्टॉल पर। हमारे साथ हैं जगवीर सिंह गोदारा जी, जो कि कंपनी के नॉर्थ सेल्स डिवीजन को देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। धन्यवाद जी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि जो फील्ड किंग कंपनी है, फील्ड किंग किस तरीके से किसानों के लिए काम करती है? जी, फील्ड किंग अगर आप देखते हो कंपनी जो नॉर्थ इंडिया में करनाल में स्थित है और 45 साल से किसानों की सेवा में है, और इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट की डिमांड है वो हर टाइप के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाती है, और 105 कंट्रियों में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और हमारा जो प्लांट है वो फुली ऑटोमेटिक प्लांट है, अभी जो पंजाब में एक करनाल में है, एक पानीपत में भी प्लांट हमारा है। यहाँ आप देख पा रहे हो जो अभी हरियाणा और पंजाब के लिए, जैसे कि इंसीतू के लिए जो इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे आप देख रहे हो बेलर है, उसमें रैक है, आपका मक्के के लिए भी अभी अचार, हिंदी में बोलते हैं अचार के लिए, तो या मेज कटिंग के लिए भी फॉर हार्वेस्टर है। बाकी अपना आप ये देख रहे हो कि सुपर सीडर है। दूसरा हमारा यहाँ पर गोल्ड रोटावेटर है, उसमें गोल्ड रोटावेटर में क्या होता है ना, गियर को बार बार बदलना नहीं पड़ता, जैसे गाड़ियों में या ट्रैक्टर में गियर शिफ्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें गियर है, आप उसको चेंज करके आपका स्पीड चेंज कर सकते हो रोटर की, तो उससे कम से कम 1 लीटर का किसान को पर घंटे के हिसाब से फ्यूल सेविंग होती है। और हमारा दूसरा है कि हम ट्रैक टाइप हार्वेस्टर बनाते हैं, जो आजकल देख रहे हो कि मौसम का पता नहीं चलता, कभी भी मौसम बारिश हो जाती है, अभी भी आप देख रहे हो यहाँ बारिश हो गई, तो किसान को आज की डेट में क्या है कि उसको व्हील टाइप जो हार्वेस्टर रहती है बारिश में चल नहीं पाती है, तो उसके लिए वो लोग क्या है कि ट्रैक टाइप कंबाइन की डिमांड बहुत बढ़ रही है। और हम इंडिया में हर जगह हमारा नेटवर्क है, अगर हम हरियाणा में हार्वेस्टर देते तो हार्वेस्टर कस्टमर का ट्रैक टाइप वो महाराष्ट्र में भी यूज करता है, या आपका तमिलनाडु में भी जा सकता है, तो हम वहाँ पे उनको हर स्टेट में सर्विस की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो ये हमारा पूरा कंपनी का वो है। और बाकी जो ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट हैं हम वो भी बनाते हैं ट्रेडिशनल, जनरली जो कंपनियाँ होती हैं इस रेंज में नहीं होती कि वो ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट भी बनाएँ और एडवांस इम्प्लीमेंट भी बनाएँ, तो सबसे ज़्यादा मेरी की स्ट्रेंथ ये है कि वो ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट प्लस एडवांस इम्प्लीमेंट बना रही हैं। उससे क्या है कि जो किसान हैं या जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं तो उनको एक फुल रेंज मिलती है, फुल रेंज मिलने से क्या होगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है चैनल पार्टनर्स की, कि भाई आपको हर किसान को जो चीज़ मिल रही है, आज जो हमारे पास अगर हम कॉस्ट वाइज कहते हैं तो 25,000 से लेके आप मान के चलिए कि हमारे पास 25 लाख तक की मशीनरी है, तो उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और हेल्थ भी अच्छी होती है। अगर हम प्रोडक्ट की गुणवत्ता की बात करें, क्योंकि प्रोडक्ट जो है आपके काफ़ी यूनिक है, तो गुणवत्ता को कैसे मेंटेन रखते हैं, क्या क्राइटेरिया है? यस, आपने अच्छी चीज़ किया है। जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, और कोई भी कंपनी होती है अगर लॉन्ग टाइम से मार्केट में सस्टेनेबल है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहती है क्वालिटी। तो क्वालिटी में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट की जो फिनिशिंग होती है या रॉ मटेरियल होता है, आज रॉ मटेरियल में क्या होता है ना, एक तो आप ये है कि टाटा का रॉ मटेरियल यूज कर दो, एक ये है कि रीफर्निश जो रॉ मटेरियल आता है, मतलब लोहे का जो आपका चादर आती है, जो आती है गोविंदगढ़ की भी आती है, तो हमारा जितना भी होता है वो टाटा ब्रांडेड होता है, जितना भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसकी। बाकी जो कटिंग जो होती है वो लेजर कटिंग से होती है, और जो पेंट क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक पेंट क्वालिटी रहती है, तो जिससे क्या है कि प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ती है, और जो अच्छा किसान है वो हमेशा उसको पसंद करता है। जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो लॉन्ग टाइम चलेगा, तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, तो इसलिए रिपीटेड कस्टमर आता है। आज हम अगर 40 साल से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं 105 कंट्रियों में, तो इसका बेनिफिट यही है कि अगर एक्सपोर्ट चीज़ हो रहा है, आप पास्ट में देखते होंगे तो बाहर से इंडिया में इम्पोर्ट होता था, पर आज आप यूएसए जाके या जर्मनी जाके या इटली जाके या अफ्रीकन कंट्री में जाके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं क्वालिटी की वजह से वो चीज़ आपको मिल रही है, कि क्वालिटी, इसलिए हमारी क्वालिटी बेटर है जो हम प्रोडक्ट में जो देते हैं। अंत में चलते चलते मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको आप फील्ड किंग की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? फील्ड किंग की तरफ से मैं यही क्यों कहना चाहूँ कि जो प्रोडक्ट आप आज गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जैसे हरियाणा पंजाब में लेते हैं जो इंसीतू के प्रोडक्ट हैं, बेलर हो गया, सुपर सीडर हो गया, रैक हो गया, फोटा हार्वेस्ट हो गया, आज उसमें 50% सब्सिडी है उसमें, तो किसान कभी कभी क्या होता है ये देखता है कि वो उसमें सस्ते पे जाता है, कि मेरे को 20,000 रुपये या 40,000 या 50,000 रुपये सस्ता लगता है, बट उसको उसके साथ साथ क्वालिटी देखनी है, ये नहीं कि सब्सिडी मिल रही है तो उसका पैसा भी इन्वॉल्व है, तो लेने के बाद उसका फ्यूल कंजम्पशन कितना सेव होगा, चलने के बाद उसकी रिपेयरिंग उसकी कितनी आएगी, अगर वो ये देखता है कि
पर घंटे के हिसाब से एक लीटर फ्यूल कंज्यूम, तो उसकी जो कॉस्ट है वो एक साल में ही उसको कम कर सकती है। तो उसको क्वालिटी पे हमेशा ध्यान देना है और कस्टमर को सर्विस पे खासतौर से ध्यान देना है कि जो कंपनी अगर इतने टाइम से मार्केट में डटी हुई है तो कोई ना कोई उसकी क्वालिटी होगी, उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो प्रोडक्ट किसान खरीद रहा है तो वो कितनी ओल्ड कंपनी है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है, टीम की क्या स्ट्रेंथ है। हमारे पास हर प्रोडक्ट के लिए सर्विस इंजीनियर हैं जो आपके अलग अलग वर्टिकल्स में काम करते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करें, तो उसको सर्विस को भी ध्यान में रखना है, उस चीज़ को ये किसान को देखना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक एज ए कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, बट मैं एक किसान भी हूँ, मेरे यहाँ खुद खेती होती है, जितनी भी क्रॉप होती है तो मेरे यहाँ खुद खेती होती है और मैं खुद अपना घर पे इम्प्लीमेंट यूज कर सकता हूँ, तो मैं फील कर सकता हूँ कि किसान की क्या रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी की तरफ से ही मैं समझ सकता हूँ कि सर्विस क्या इम्पोर्टेंट रखती है किसान के लिए, तो बेटर सर्विस हम उसको इस तरह से हम ब्रीफ कर सकते हैं उसको। ये थे हमारे साथ जगवीर सिंह गोदारा जी फील्ड किंग से, जिन्होंने बताया कि फील्ड किंग किस तरीके से किसानों के साथ काम कर रहा है और इसी के साथ कंपनी जो है अपनी गुणवत्ता और क्वालिटी के चलते दूसरे देशों में भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। थैंक यू।